हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 27वां नंबर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, और इसको हम देखेंगे। इसमें जो 15 प्रश्न आए हैं जीके के, उन सभी 15 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन लेंगे आज। और ये जो टेस्ट पेपर है, ये आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर में दिया हुआ है। कहाँ पर भैया? तो आपके सत्य केतु के ऐप पर, वहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ। आप अवश्य रूप से वहाँ जाए और टेस्ट दें, और फिर उसका सॉल्यूशन दूसरे दिन हमसे लें। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे इसमें हम और इसका उत्तर देंगे। उससे पहले आप सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ठीक है, तो पृथ्वी पर भैया महासागर है आपके कितने? 5। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न संख्या दूसरा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? अब भैया महाद्वीपों की संख्या है आपके 7 और महासागर है आपके 5। ठीक है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप कितने भैया? 7 महाद्वीप है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 3, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से देख लीजिए, मात्र एक ही महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है, वो है आपके एशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, जो कि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपके अमेजन हो जाएगी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील हो जाएगी। ये प्रश्न आएंगे कुछ इस प्रकार से। चलिए, प्रश्न संख्या 4, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पूरे संपूर्ण विश्व में जो पहला विश्वविद्यालय बना था वो कौन सा बना था भैया? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपके बना था, सबसे पहला विश्वविद्यालय था विश्व का। ठीक है, और जैन और बौद्ध ग्रंथ के जो आपके थे विद्यार्थी, वो यहीं पर आकर पढ़े थे। जो बाहर से विदेशी यात्री आए थे वो यहाँ पर आकर पढ़ते थे। ठीक है, जैसे आपके हैंसांग हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। प्रश्न संख्या 5, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेजर यूरी गागरिन आपके रूस के थे, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। ओके भैया, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अंतरिक्ष में पहुंचे थे, है ना, चांद पर, सूरज पर, या कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंचे, किसी अन्य ग्रह पर नहीं। यानी कि ये जो अंतरिक्ष है आपका, जो आकाश है, उस आकाश में बस पहली बार राउंड लगाकर आने वाले, राउंड लगाकर कौन आए थे? मेजर यूरी गागरिन राउंड लगाकर आए थे, यानी कि अंतरिक्ष में घूम कर आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, कौन सा है? ठीक है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा जाएगा भैया? बांग्लादेश, ब्राजील, रूस या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? बांग्लादेश होकर नाम गा लियो, शर्म नहीं है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसे भेजा था? नील आर्मस्ट्रांग को। ठीक है, किस में भेजा था? अपोलो 11 यान में भेजा था नील आर्मस्ट्रांग को, जिन्होंने चंद्रमा पर अपना प्रथम पैर रखा था, और दूसरा पैर भी इन्होंने ही रखा था। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हुआ है। प्रश्न संख्या 7, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित देश। तो दोस्तों,
वही देश होगा प्रथम पुस्तक मुद्रित जहाँ पर कागज का आविष्कार हुआ था। जहाँ पर कागज मुद्रित हुआ था सबसे पहले, तो वही आपके सबसे पहले पुस्तक मुद्रित होगा और वो होगा आपके चीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखा जाए, सबसे बड़ा आपके मुंबई शहर जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। भारत में मुंबई सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और उत्तर हमारा मुंबई होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, मद्रास कलकत्ता भारत की पहली राजधानी कलकत्ता, ठीक है। और मद्रास में भारत के जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में तीन पहले न्यायालय बने थे। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राज्य किसने पूछा है, चलिए देखते हैं। ये राज्य आपके पूछा है क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में, ठीक है। यदि हम क्षेत्रफल में देखें, क्षेत्रफल में सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी, ठीक है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इससे संबंधित कोई सवाल है नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भैया, बता दो। भारत की सबसे लंबी नदी पूछिए हमसे। ऑप्शन है गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा या गंगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा चौड़ी हो जाएगी। ये हो गई आपकी लंबी नदी, ये हो गई आपके भारत की सबसे चौड़ी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। और भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत की जलीय जीव कहलाती है। प्रश्न देखिए 11वां, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो वही मीनार है जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी, ठीक है। किसकी नींव दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। और किसकी स्मृति में दी थी? तो बख्तियार काकी की स्मृति में, सॉरी हाँ, चलिए बार बार देखिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध आपके कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है, और उड़ीसा वाला ये बांध महानदी पर, महानदी उड़ीसा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है और किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में है। ओके, ऑप्शन संख्या हमारा सी करेक्ट होगा। प्रश्न देखिए 13वां, भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो पहले जवाहर सुरंग सबसे लंबी थी, वर्तमान में चेनानी निसार सुरंग सबसे लंबी सुरंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 14, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी भैया, फटाफट कमेंट कर दीजिए। हरमिंदर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है।
गोमटेश्वर की मूर्ति आपकी कर्नाटका, और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि वर्तमान में भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। प्रश्न 15, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, कमलजीत संधू, सुचेता कपलानी, रजिया बेगम या बचेंद्री पाल। तो दोस्तों कौन हो जाएगी भैया, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू भारत की प्रथम महिला थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लिया, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण पदक लिया, सुचेता कपलानी प्रथम महिला सीएम थी यूपी की, रजिया बेगम प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके बचेंद्री पाल। और करेक्ट आंसर क्या होगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी आपके कमलजीत संधू। ओके, ये हुआ 15 प्रश्न आपके कंप्लीट, ठीक है। दोस्तों कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।